नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। हिमाचल प्रदेश सब सिलेक्शन बोर्ड का ड्राफ्ट मैन का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें 170 रहेंगे, 85 मार्क्स एग्जाम रहता है और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होने वाला है। अगर आपका ड्राफ्ट मैन का एग्जाम है तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। लास्ट तक देखिएगा, बीच में आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थियोडोन लाइट उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। इसका जो राइट आंसर है बी जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तथा समतल के लंबवत भी हो तो प्रक्षेप होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था। तो इसका जो लंबकोणीय प्रक्षेप जो बी सही आंसर इसमें सॉरी सी जो सही आंसर इसमें रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को साम्यावस्था में तब कहते हैं जब, इसका जो ऑप्शन है वो आपको इसमें नहीं दिया हुआ। तो इसका जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जल आपूर्ति योजना के लिए डिजाइन अवधि होती है, तो इसका जो 30 से 40 वर्ष है ये सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी बीमा को संरचनात्मक घटक तब कहा जाता है जब उस पर डाला जाए, तो इसका जो अनुप्रस्थ भारण है ये बिल्कुल बी जो सही आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर कितने से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, तो इसका जो 20% है ये सही आंसर इसमें रहेगा। एक सीमेंट का बैग किसके बराबर होता है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो, ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। 35 LTR जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 20 गुना पूर्ण आकार के स्केल को कैसे इंगित किया जाता है, ये आपको इसमें बताना था। 1:20 जो, ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। और अगला था, 7:4 के अनुसार मैं अक्षर लेखन एक ऊंचाई कितने लिए जाती है, तो ये आपको इसमें बताना था। तो इसका जो 7 यूनिट है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें डी जो ही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस में विपरीत भुजाओं के दोनों युग्म समान तथा समांतर होते हैं, ये आपको इसमें बताना था। तो इसका जो समांतर चतुर्भुज है ऑप्शन नंबर सी जो ये सही आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस रेखा में पैटर्न में 3 डैश हर एक सिरे पर छोटे डैश के साथ एक लंबा डैश होता है, तो वो आपको बताना था। तो इसका जो केंद्र है सेंटर, ये सेंटर पॉइंट सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ये भी समतल है जिस पर शीर्ष दृश्य प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना चाहते जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला, यदि कोई समतल प्रक्षेप के समतल के समांतर हो तो भी लगता है, सही आकार ही सही आंसर इसमें रहेगा। अगला है, कंक्रीट बीम में स्टील के लिए सरिये लगे होते हैं, तो ये आपको इसमें बताना था। तो निचले खंड के पास ये सही आंसर सी जो है सही आंसर रहेगा। शटर समेटने के लिए दरवाजे या खिड़की की चौखट में गर्त तथा कट क्या कहलाता है, ये आपको इसमें बताना था। तो इसका जो पैताम है ये सही आंसर रहेगा, ठीक है, सिंपल भाषा में इसको पैताम कहते हैं। तो पैताम जो ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था, आयताकार प्रिज्म में होते हैं 6 फलक जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 17 था, सीढ़ियों में तला क्या है, सीढ़ियों में तला क्या है, ये आपको इसमें बताना था। तो इसमें सीढ़ी की निचली सतह जो, ये बिल्कुल सही आंसर आएगा इसमें, ठीक है, तला या तलाई ये जो भी इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईंट की चिनाई में उस बॉन्ड को क्या कहते हैं जिसके हर एक रद्दे में एकांतर पर हेडर व स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो फ्लेमिश बॉन्ड जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आरसीसी का भार कितना होता है, तो अगर आपको आरसीसी की फुल फॉर्म पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 19 डालकर आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप ड्राफ्ट मैन के इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है किसी पोस्ट के लिए, तो आरसीसी की फुल फॉर्म क्या है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप जरूर बताइएगा। तो आरसीसी का भार इसमें आपसे पूछा गया, तो 19 का जो 2500 किलोग्राम जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उस मेहराब को क्या कहते हैं जिसमें मेहराब का केंद्र स्प्रिंगिंग लाइन के नीचे होता है, इसका जो खंडीय मेहराब है ये सी जो सही आंसर इसमें रहेगा। अगला है, बहती हवा को भवन के भीतर भेजना और संवृत
क्षेत्र के भीतर की हवा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समांतन जो ये बिल्कुल सही से बी जो इसमें रहेगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में जगन्नाथ का मंदिर स्थित है? ये उड़ीसा में, तो उड़ीसा जो ये सही आंसर आपका इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका वो पुष्कर जो ये बिल्कुल ए सही आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर तीन धर्मों के गुफा मंदिर पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एलोरा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? अगर आपको मालूम है आप क्वेश्चन नंबर 24 डालकर आप हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? जो हमारा एक नेशनल शेर के आप देखते होंगे निशान लगे हो, तो वो कितने वो आपसे इसमें पूछे गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 जो इस आंसर 4 रहेगा। रासायनिक रूप में या रासायनिक रूप से संगमर को क्या कहते हैं? तो इसे के चूनेदार चट्टान ये कहते हैं, तो ये सही आंसर इसमें रहेगा। और अगला, बड़ी परियोजनाओं के लिए इट्टे बनाने के लिए प्रयुक्त मिट्टी को कब गोदब खुली हवा में रखा जाता है? तो मानसून में ये रखा जाता है, ये सही आंसर रहेगा। मैग्रेशिया इट्टे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, सारे इट्टे ये सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट था, लावा के ठोस होने से बनी चट्टाने क्या कहलाती है? तो इसका जो अग्रे चट्टान है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूना पत्थर क्या नहीं है इनमें से? तो इसका जो कायतरित चट्टान जो है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, सीमेंट का शुरुआती जमाव समय कितना है? सीमेंट का शुरुआती जमाव समय कितना है, इसको सेट होने में कितना टाइम लगता है? सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे, ठीक है? तो 30 मिनट जो ये बिल्कुल सही आंसर है, 30 मिनट के बाद वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग की सीमेंट का उत्पादन किससे किया जाता है ये आपको बताना था। आयरन ऑक्साइड जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। तो 32 का जो सी है ये सही आंसर रहेगा। पोर्टलैंड सीमेंट का यौगिक क्या कहलाता है? जो पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और पहले जमता है, तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो टेटा कैल्शियम एल्यूमिनियम पैराराइट जो ये बिल्कुल सी जो सही आंसर इसमें रहेगा। चेन्नई में अपरोपण विफलता किससे दिखाई पड़ती है? चेन्नई जब होती है तो उसमें अपरोपण विफलता किससे दिखाई पड़ती है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बिकरनी दरारे, जो बी जो सही आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, पैंथियन रोमन डैश का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो स्थापत्य कला जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आर्किटेक्चर जो है बी ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण कला का हीरो कौन था? तो ये आपको इसमें बताना है। इसका तो लियोनार्डो द विंची जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? इनमें से जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनमें से सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो कौन सा है? तो सांची का जो स्तूप है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। स्तूप एट सांची ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे बनवाया था या किससे नहीं बनवाया था, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। तो ये इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था, ठीक है। तो अलाई का जो दरवाजा ये इसको नहीं बनाया था, तो 38 का जो डी है ये सही आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था? तो इसका जो साझा है ये बिल्कुल डी सही आंसर इसमें आपका रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कब की थी? 1206 में, ठीक है। 1206 से 1210 तक ये शासक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में ये घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, ये आप जानते होगे, ठीक है। हेलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय वास्तुकार है? तो इनमें से कौन है वो आपको उसमें बताना है। तो इसका जो चार्ल्स कोरिया जो ये बिल्कुल 41 का जो बी है ये सही आंसर रहेगा। भारत में सबसे बड़ी गुम्बद कौन सी है? तो गोल गुंबद जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा।
चिनाई बाग दीवारें कहाँ तक बनाई जा सकती है? तो 4 मंजिल तक की, आप जानते होंगे डी से आंसर रहेगा। वस्तुकारों और उनसे जुड़े मामलों का पंजीकरण करने वाला अधिनियम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 1972 जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए जो ये वस्तुकार अधिनियम 1972, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, COA स्टैंड्स फॉर, क्या तात्पर्य इसका, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वस्तुकार की परिषद जो ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इससे आंसर रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो ग्रेफाइट है ये बिल्कुल इसमें आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, बेबीलोन के झूलते उद्यान आज के स्थान पर है, कौन कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे, तो अभी आज के जो हाल ही में ये कहाँ पर है, तो ये आपसे इसमें पूछा गया था। तो 47 का जो इराक है ये सही आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था। तो इसका जो महाबलीपुरम जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, महाबलीपुरम कहाँ पर है अगर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कौन से स्टेट में है ये। अगला है, प्लेट गार्डन के स्वीडन के सीजी और टनन प्लेस में के सीजी के बीच दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर आपको बताना है, प्रभावी गहराई जो ये सही आंसर इसमें रहेगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, निम्न में से एक इनमें से गलत है, ठीक है, एक कथन गलत है, तो कौन सा है वो आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, बी जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक रिवेट लाइन पर रिवेट के केंद्र से निकटवर्ती रिवेट के केंद्र की मापित दूरी क्या कहलाती है? तो संतरित दूरी जो ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा, ठीक है। पिच ऑफ रिवर्ट जो ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, तानन सदस्य का शुद्ध खंड क्षेत्र से संकल खंड क्षेत्र के बराबर होता है, इसका जो राइट आंसर है रिवेट सदों के क्षेत्र से घटाकर ये बिल्कुल डी सही आंसर रहेगा। ड्राफ्ट मैन का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, HPSSB हमीरपुर चयन बोर्ड द्वारा ये एग्जाम आपका करवाया गया था, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपका एग्जाम है तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लंबे कोलन का कृशता अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो घूर्णन की न्यूनतम त्रिज्या से विभाजित कॉलम की जो लंबाई है ये बी से आंसर इसमें रहेगा। इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में इन क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, पच्चर आकार वाली इट्टे या ब्लॉक वाली मेहराब क्या कहलाती है? इसका जो बुसायर है ये बिल्कुल सही आंसर से रहेगा। और चिनाई दीवारों की खुली सतह के उपचार के लिए कौन सी उपचार पद्धति उपयुक्त है इनमें से? तो इसमें से जो डी है ये सतह उपचार, ये सही आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। सरफेस ट्रीटमेंट जो ये डी सही आंसर इसमें रहेगा। किस कारण से मेहराब की तुलना में सरदल को प्राथमिकता दी जाती है? सरदल को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका जो ये सब ये डी है, ऑल ऑफ डी ये सही आंसर रहेगा। किसी कमांड का उपयोग करके अंत बिंदु में 60 डिग्री कोण पर 5 की लाइनें जोड़ सकते हैं? तो जोड़े सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ये ए जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। अगला है, ऑटो कैड में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग 2 लंबवत रेखाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो सी है ये पैलेट जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और कैड का उपयोग करके कंटूर रेखा बनाने के लिए इनमें से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सप्लाइन है ये डी सही आंसर इसमें रहेगा। कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड 3D ऑटो कैड कमांड है ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो एक्सट्रूड है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बैंड ड्रॉइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विद, तो ये आपको बताना है। 2D में ड्राइंग करते समय आपको किस अक्ष पर कार्य नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है, इसका जो जेड है ये सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु का गुण नहीं है? तो ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो माप है ये सही आंसर इसमें रहेगा। अगला, आप कमांड ऑफसेट से क्या नहीं बना सकते है?
व्हाट यू कैन नॉट क्रिएट फॉर द कमांड ऑफ सेट, ये आपको उसमें बताया हुआ पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, उधर सरल रेखा जो ये सही आंसर रहेगा। ऑटोकैड ड्राइंग में कितनी न्यूनतम परतें की जा सकती है, तो ये आपको उसमें बताना था। तो इसका जो सी है ये एक, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 30 मीटर श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है, 150, ये सही आंसर इसमें रहेगी। ठीक है, ए जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेंचमार्क का आर एल 100 मीटर है, स्पष्ट दृष्टि 1.215 मीटर है, तो अग्र दृष्टि 1.870 मीटर है, तो अग्रवर्ती केंद्र का आर एल कितना है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो 99.345 मीटर जो इससे आंसर इसमें रहेगा। बबल नाली की संवेदनशीलता किससे बढ़ाई जा सकती है, नाली का व्यास बढ़ाकर, ये बिल्कुल सही आंसर ए जो इसमें सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, धातु का फीता किससे बना होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो डी है ये कपड़ा बता रही है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अभिदृश्यक द्वारा बनाई गई किसी वस्तु का वास्तविक बिंब क्या कहाँ पड़ना चाहिए, ये आपको बताया है, पूछा गया था आपसे। तो इसका जो क्रॉस तार के समतल में, ये बिल्कुल ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्रॉस तार के समतल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंटाग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, पैंटाग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सी है, प्लान को बढ़ाने या घटाने के लिए, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का या किसी रेखा का पश्चित त्रिकोण किसके द्वारा किसके बराबर होता है, ये आपको इसमें पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी रेखा का पश्चित त्रिकोण किसके बराबर होता है, तो इसका जो बी है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, क्रॉस दंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो समकोण विन्यास है ये डी सही आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के अनुसार किसी घर में भंडार क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम है, ये साउथ वेस्ट में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वस्तु का या वस्तुशास्त्र का उद्गम कहाँ पर हुआ था, ठीक है, वस्तुशास्त्र हैज ए डीप ओरिजिन इन, कहाँ पर ये हुआ था इसका उद्भव, ठीक है, वो आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो भारत है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पर्यावरण का जल वाला भाग क्या कहलाता है, तो इसका जो जलमंडल है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन कोड पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1970 में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77, निम्नलिखित में से कौन सी चंडीगढ़ की योजना बनाने वाले प्रमुख मुख्य वास्तुकार थे, तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो ली कॉर्बूजियर है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सी जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, विश्व वित्तीय क्षेत्र में निम्न दाब के कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यहाँ सूर्य की किरणें उद्भव पड़ने के कारण काफी तापन होता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन उच्च दाब पट्टी नहीं आता इनमें से, तो वो आपको बताना है। इसका जो सी है ये विश्व क्षेत्र जो ये सही आंसर इसमें रहेगा। और प्रसिद्ध स्मारक भवन गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो बीजापुर ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, आदिल शाही हिस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता पाली फूली थी, ठीक है, तो अवधि अब से इसमें पूछी गई, और अवधि थी 2300 से 1750 BC, बिफोर क्राइस्ट इसको कहते हैं, ठीक है, BC। और नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है कौन सा इनमें से, तो इसका जो मोहनजोदड़ो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, इसमें पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी, तो पल्लव की जो राजधानी थी वो कांची थी, कांची ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। धर्म परिवर्तन का चिन्ह कहाँ पर था, ये आपको बताना है, धर्म परिवर्तन का चिन्ह क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो चक्र है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। ठीक है, भील जो है चक्र इसमें आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पांडे वंश की राजधानी कौन सी थी, पांड्या वंश की राजधानी मदुरई जो, ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसका अनुपात करने के लिए मध्य रेखा पद्धति को खास तौर पर अपनाया गया है,
ये सभी इनमें से जो ऑल ऑफ दीज जो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। फर्श क्षेत्र में बालकोनी का कितना क्षेत्र शामिल होता है, फर्श जो होता है उसमें बालकोनी का कितना क्षेत्र या एरिया इसमें शामिल होता है। तो 87 का जो सी है ये 50% ही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें निम्नलिखित में कथन कौन सा है ये आपको बताना है। निम्न में से सही कथन जो है, सही जो इसमें से वो आपको बताना है इनमें से। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको, ए और बी दोनों ये सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में किसके लिए मापन इकाई प्रति क्विंटल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो RCC कार्य की MS प्रवलन, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, किस मामले में ईंट चिनाई वर्ग मीटर में मापी जाती है। तो मधुछत्ता ईंट चिनाई, ईंट चपटा सोलिंग आदि, ईंट की दीवार या पार्टीशन, डी जो सही आंसर इसमें रहेगा। सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई ली जा सकती है, आपको बताना है सेप्टिक टैंक की न्यूनतम जो चौड़ाई है इसकी वो आपको कितनी ली जा सकती है वो आपको उसमें बताना है। तो इसका जो 75 सेंटीमीटर ये सही आंसर इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 का। ठीक, 92 का आपको राइट आंसर बताना, सबसे विश्वसनीय अनुमान कौन सा है। तो इसका जो विस्तृत अनुमान है ये सी, ये सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 का। नमीरोधी रद्दा DPC किस में मापा जाता है, DPC किस में नापा जाता है ये आपको इसमें बताना है। और इसका जो वर्ग मीटर ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रसोई स्नान गृह और वॉश बेसिन का तरल या गीला कचरा क्या नहीं कहलाता ये आपको उसमें बताना है। तो इसका जो मलजल है ये सही आंसर इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला है, किसी प्रवेश क्षेत्र को उतला तब कहते हैं जब उसकी गहराई हो। तो इसका जो बी है ये सही आंसर रहेगा। सादा अवसाधन जल टैंक के लिए सरोध अवधि आमतौर पर कितनी होती है। तो अगर आपको आता है तो आप हमें जरूर बताएं, 4 से 8 घंटे, ये सही आंसर ए रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 है, अब मल में किसका अपजल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसका जो बाथरूम है ये बिल्कुल सी सही आंसर रहेगा। और घरेलू उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति पानी की खपत कितनी है, तो 135 लीटर जो ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वितरण की अत्याग्रह पद्धति क्या कहलाती है ये आपको इसमें बताना है। ब्रिक्स प्रणाली जो ये सही आंसर होगा। और मलजल ले जाने के लिए भूमिगत कंड्यूट क्या कहलाता है ये आपको बताना है। भूमिगत कंड्यूट क्या कहलाता है ये मलजल ले जाने के लिए, तो इसका जो सेवर ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैं कौन सी PERT घटना नहीं है। ठीक है, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा, कक्षता में उपस्थित जारी है, ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी कार्य की शुरुआत या समाप्ति क्या कहलाती है इसमें से वो आपको बताना है। तो इसका जो घटना जो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा, इवेंट। अगला, CPM नेटवर्क में बिंदु रेखा द्वारा दर्शाई गतिविधि क्या कहलाती है। 104 का जो बी है ये डमी गतिविधि, ये सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिविधि के लिए नवीनतम शुरुआती समय और इसके सबसे शुरुआती समय के बीच क्या अंतर है, ये आपको इसमें बताना। और इसका जो राइट आंसर आपका क्या रहेगा आपको, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है कोल पलम, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, प्रतिबल की परिभाषा क्या है। तो इसका जो बल प्रति यूनिट क्षेत्र जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सी जो सही आंसर इसमें रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी विस्तृति छोटी विस्तृति अनुपात 2 हो तो स्लैब है इसमें। ठीक है, तो वो आपको इसमें बताना है क्या इसमें आएगा। तो इसका जो दो तरफ है ये सही आंसर रहेगा। ट्रिम किए ड्राइंग पेपर का आकार A4 कितना है। तो सी है ये 210 मीटर से 297 mm के बीच। छिपी वस्तु को किस में दर्शाया जाता है। 110 का जो राइट आंसर है वो बिंदु रेखा, ये सही आंसर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, आयाम टेक्स्ट आमतौर पर किस पर रखा जाता है। इसका जो ए है आयाम रेखा, ये सही आंसर आएगा। और विकर्ण पैमाना किस में दर्शाता है। तो
इसका जो 3 इकाई यही सही आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस खंड का उपयोग करके सममितीय वस्तुओं को प्रभावी रूप से दिखाया जा सकता है? तो इसका जो आधा खंड है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। पहले कौन प्रक्षेप में वस्तु कहां पर दिखाई पड़ती है या लगती है ये आपको इसमें बताना है, तो बीपी के सामने या एचपी के ऊपर ये सही आंसर इसमें रहेगा। अगला है, फ्लोर प्लान का डैश रेखा क्या कहलाती है जो बाहरी हिस्से में लगभग 60 से 70 cm बाहर लगती है? तो इसका जो सी है ये छत लटकन, ये सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 3646 के अनुसार साइन कक्ष के प्रति प्रतिदीप्ति का अनुशंसित मान कितना है? तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो बी है ये 100, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? तो ये आपका रहेगा लक्स। और कौन सा गुदेदार पौधा है इनमें से, तो वो आपको बताना। तो इसका जो पिनक्सेंट कैक्टस जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। और सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? 40 डिग्री से, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राणी सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञात नहीं था इनमें से? तो इसका जो जिराफ है इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर वो आपको बताना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय की किताब है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, आपको बताने की जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य बौद्ध रामधेन के जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय या किस टॉपिक पर है? आपको पता नहीं चलेगा तो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, तो आपको बताना है इनमें से। फिर भी ये जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय की किताब है, किस विषय की, किस टॉपिक पर बुक है? तो बता देता हूँ आपको, राज्य की शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की, ये बिल्कुल डी सही आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा नहीं थे? तो इसका जो चोल है ये सही आंसर रहेगा। और दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका जो महमूद शाह तुगलक है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर उठा लिया ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो अकबर है इसने उठा लिया, और औरंगजेब ने फिर बाद में बिठा दिया, ठीक है। सिंपल सा, जिस प्रकार से पूछा है उसी प्रकार से हम भी बता रहे हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब हुई थी? आपको पता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम बता देते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके अनुसार ये पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो आपको उसमें बताना है। 126 ये क्वेश्चन नंबर है, आप जरूर कमेंट करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लाइव चैट पर देख रहे हैं तो इसको लाइव चैट पर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट 126 क्वेश्चन नंबर डाल के आप बताएगा कि भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन थे। नंबर नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन कल भी आया था किसी एग्जाम में, जो पिछले कल हमने क्वेश्चन पेपर आपको बताया, तो मूल शंकर जो इससे आंसर रहेगा। किसकी निष्फलता की वजह से स्वराज्य पार्टी का निर्माण हुआ था, ये आपको बताना है। किसकी निष्फलता से या किसकी विफलता की वजह से स्वराज्य पार्टी का निर्माण हुआ था? तो इसका जो सहयोग आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन, ये विफल रहा, इसकी वजह से फिर इस पार्टी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग समिति थी एक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसमें वो आपको नहीं बताया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन होते ही नहीं है और वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप फिर इनमें से कोई आप कर दोगे तो इसका बाद में फिर आप पछताओगे, इनमें से होता ही नहीं। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूचियों में उनकी जो शेड्यूल है वो कितने हैं, ये आपको उसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य किस साल में अस्तित्व में आया था? तो इसका 2000 ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट है, संविधान सभा ने उनमें से किस से मूलभूत अधिकारों को क्रियान्वित करने की सत्ता दी गई है? संविधान द्वारा निम्नलिखित में किसे मूलभूत अधिकारों को क्रियान्वित करने की सत्ता दी गई है? तो इसका जो
राइट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं। अगला है, उपराष्ट्रपति किसके पद हैं अध्यक्ष होते हैं, तो इसका जो इनमें से कोई नहीं रहेगा क्योंकि ये राज्यसभा के पद हैं अध्यक्ष होते, तो राज्यसभा इसमें नहीं है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बल किस पर दिया गया था, इनमें से जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो इसका जो कृषि है ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर वो आपको बताना है, इसका जो तमिलनाडु ये सही आंसर रहेगा, जो लिंग अनुपात है सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। इनमें से क्योंकि ये चार ऑप्शन इसमें दिए हो तो चार ऑप्शन में से सबसे अधिक है, ठीक है। बाकी आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु इसमें जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए वो इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन को बताते हुए, परंतु आप ये क्वेश्चन को समझिएगा कि इसमें क्या पूछा होता, तो इसमें जो चार स्टेट इनके नाम दिए हुए थे, इन चार स्टेट में से सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो किसका, तो तमिलनाडु से आंसर रहेगा, ठीक है। एक अजैविक और नवकरणीय स्रोत है वो आपको बताना है, पानी जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। भारत में किस साल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसका जो 1952-1952 से आंसर रहेगा। कौन सा सर्वाधिक प्रयासरत है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। एलास्टिक है ये आपको इसमें बताना है, तो इसका जो कागज है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूरज पृथ्वी को कैसे गर्म करता है, तो विकिरणों द्वारा, ये बिल्कुल सही है। और स्टेनलेस स्टील में अंतपृष्ठ है ये आपको इसमें बताना है, तो इसका जो सी है लोहा, निकल और क्रोमियम, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी एसिड में आवश्यक रूप में अंतपृष्ठ होता है, ठीक है, या अंतपृष्ठ है, तो इसका जो हाइड्रोजन है ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, दूध का वसा अंश किस दौरान घटता है, दूध का वसा अंश किस दौरान घटता है, तो इसका जो गर्मी है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन से भी जाना जाता है, एमरजेंसी हार्मोन है, तो ये आपको इसमें बताना है, तो इसका जो एंड्रेनालिन है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा, एंड्रेनालिन जो ही सही आंसर रहेगा। अगला, बालू का श्यम किससे कायत्रित होता है, ये आपको बताना है, बालू का श्यम किससे या किस में कायत्रित होता है, तो इसका जो काट जाइट है बिल्कुल भी सही आंसर रहेगा। और होमोसेपियर कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो इसका जो 19 किलोमीटर, ये सही आंसर रहेगा। हिंद महासागर की औसतम गहराई कितनी है, आपको बताना है कि जो हिंद महासागर है उसकी जो औसतम गहराई है वो कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो 4 किलोमीटर, ये सही आंसर रहेगा। पादम विकास के लिए सबसे उत्तम मृदा है, तो इनमें से क्या है वो आपको बताना है, तो दोमट जो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा इसमें। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज आधुनिक सभ्यता का प्रतीत है, तो ये आपको इसमें बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप करेगा 148 का वो लोअर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है, तो इसका जो हाजीरंग बाग है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा, हजारीबाग पठार जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, इनमें से कौन सी नदी अपने आप को अरब सागर में खाली करती है, तो नर्मदा जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। भारत में प्रति चक्रवात कब होते हैं, ये आपको बताना है इसमें, तो सर्दियों में ये सही आंसर इसमें रहेगा आपका, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, कोंडरम और गिरिडीह किसके प्रमुख संग्रह स्थान है, तो माइका जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, देखिएगा ये क्वेश्चन जो पिछली कल हमने आपको एक क्वेश्चन पेपर बताया था, क्लर्क का था क्या, हो सकता है TGT का एग्ज़ाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको आया है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आया था कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, और ये क्वेश्चन रिफाइनरी का रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से 5 से 10 क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीट होते हैं, इसको आप नोट करते जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हो जाते हैं। अगला है, इन में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी इनमें से, तो इनमें से है मथुरा जो, इस तेल बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अंग्रेजी बर्नवाला में बाएं ओर से 20वें बर्न के बाएं 11वां बर्न कौन सा है,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 20वें वर्ण के बाएं 11वां वर्ण कौन सा है? तो ये आपको इसमें बताना है, इसको सॉल्व करना है आपने। 2 मिनट आप सोचिएगा फिर बताइएगा, डी सी आंसर रहेगा। एक कक्षा में 19 लड़कियों की औसतम आयु 21 साल, यदि शिक्ष की आयु शामिल कर दी जाए तो औसतम आयु बढ़कर 22 साल होती है, तो शिक्ष की आयु क्या होगी? 41 वर्ष, ये सही आंसर इसमें रहेगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 156 डालकर आप जरूर बताएं हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी। अगला है, हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में निम्न में से किसके लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी, जो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला है, चुमेरा जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा क्रमबद्ध की जा रही है? तो इसका जो NHPC लिमिटेड है सही आंसर रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में किस जिले में नर्मदेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? आपको पता है तो आप जरूर बताएं, हमीरपुर, जो इससे आंसर इसमें रहेगा 159 का। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दौरान स्वांग टेकी या स्वांग टेकी नृत्य किया जाता है? ये नृत्य कहाँ का है, अगर आपको पता है तो आप जरूर आप प्लीज़ बताएं और वीडियो को लाइक करते जाएगा जो भी देख रहे हैं। किस त्यौहार के दौरान स्वांग टेंगी नृत्य किया जाता है? तो दिवाली में होता है, परंतु ये नृत्य कहाँ का, स्वांग टेंगी नृत्य है कहाँ का, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताते जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा। और नेक्स्ट था, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बताना है इनमें से, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष ये मनमोहन सिंह नहीं हो सकते, वेंकैया नायडू भी नहीं हो सकते, सुमित्रा महाजन भी नहीं हो सकती, इनमें से कोई नहीं ये सही आंसर आएगा, क्योंकि नीति आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ये बिल्कुल होते, तो इसका भी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अगला है, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार में किस विभाग के मंत्री है? इन्होंने भी रिजाइन कर दिए, तो कोई मंत्री नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आएंगे, सी इज वेल इन सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सब कुछ आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, तो इसमें जो सही आंसर आएगा आपका वो आपको बताना था, ठीक है, बी सही आंसर रहेगा। मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू एग ओन इज, तो इनमें से आपको बताना था, तो इसका जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। करेक्ट स्पेलिंग इज, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बी, जो ये सही आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। राजा धन इंद्र की संधि है, संधि मीन्स किन को अपने जोड़ना है, और अगर विच्छेद होता तो अपने अलग करना था, परंतु संधि इसमें पूछी जाती है, राजा धन इंद्र की जो संधि इसमें क्या बनेगी? राजेंद्र बनेगी, परंतु है कौन सा राजेंद्र, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, इनमें से क्या है वो आपको बताना है, तो इसका जो बी है राजेंद्र ही से आंसर रहेगा। जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द आएगा, तो वो क्या शब्द आएगा आपको बताना है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, यथासंभव में समास है, समास कौन सा है? आप यही भाव, जो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा डी। और इस प्रकार से आपने पूरा देख लिया ड्राफ्ट मैन का क्वेश्चन पेपर, पिछला हमीरपुर चयन बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर आपने देखा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक आप जरूर कर देना, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट बार जब इस क्वेश्चन पेपर को आप देख के तो कुछ चेंजिंग हम इसमें कर दें, तो इसलिए बेटर है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल हिम तक पर। अगर आप SP गवर्नमेंट जॉब्स में आप ये देख रहे हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो आती है घंटी सब्सक्राइब करने के बाद उसको आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हिम तक पर इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश स्टडी से रिलेटेड, इंडियन GK और इस प्रकार के जो टॉपिक है वो स्टडी से एजुकेशन से रिलेटेड आपको वो जानकारी दी जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी चाहिए तो आपको लिंक दिए हुए चैनल को वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी जानकारी हम आपको चाहिए वो आप कमेंट करके आप हमसे ले सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको लिंक चाहिए लाइक कर दीजिएगा, और कुछ टाइम के बाद फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक्टिव हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं।